हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का संक्षिप्त इतिहास। ये ज्ञात है कि वैदिक काल में कई आर्य समूहों ने अधिक उत्पादक घाटियों को छान डाला। भारत गंगा के मैदान क्षेत्र में व्यापार और तीर्थयात्रा मार्गों पर नियंत्रण के अलग अलग अंशों का प्रयोग करने की मांग की। दूरस्थ मुख्यतः बौद्ध क्षेत्र जो अब लाहौल और स्पीति का जिला है, मुगल साम्राज्य के पतन से लद्दाख द्वारा नियंत्रित है। इस अवधि के दौरान युद्धरत अर्ध स्वायत्त शासकों ने व्यापार मार्गों साथ ही साथ कृषि के वांछनीय क्षेत्रों को नियंत्रित किया। इस क्षेत्र के ब्रिटिश वर्चस्व ने 1840 के सिख युद्ध का अनुसरण किया और अगले 100 वर्षों तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जारी रहा। क्षेत्र में सामंतवाद को समाप्त करने के लिए एक लोकप्रिय आंदोलन था और सुकेत की रियासत ने वस्तुतः शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्य शहर शिमला। हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत हिल स्टेशन मनोरम धाराओं, हरियाली और मनोरम दृश्यों से भरा है। निम्न हिमालयी श्रेणियों में स्थित है, शिमला पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि शिमला का अंग्रेजों के साथ एक लंबा इतिहास रहा है, वह जगह उस समय की सुंदर औपनिवेशिक संरचनाओं द्वारा बंद भी है। डलहौजी। डलहौजी एक ड्रीम डेस्टिनेशन है जो अपनी खूबसूरत घाटियों, शानदार रोडोडेंड्रोन, प्राचीन हवा, देवदार और पाइन्स के लिए जाना जाता है। पहाड़ी धौलाधार श्रेणी की बाहरी ढलानों में स्थित डलहौजी में 5 अलग अलग पहाड़ियां, बालून, कथलोग, पेट्रन, तेहरा और बकरोटा शामिल हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्पष्ट दिनों में आप 3 नदियों को देख सकते हैं, सतलुज, ब्यास और रविवार सुंदर घाटियों के नीचे उतरते हुए। धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी के लिए प्रवेश द्वार। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला क्षेत्र हिमालय के धौलाधार पर्वतमाला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध अवकाश स्थल बर्फीली चोटियों, देवदार और देवदार के जंगलों का अद्भुत मिश्रण है। हिमाचल प्रदेश के अन्य हिल स्टेशनों के विपरीत धर्मशाला की स्थलाकृति हिमालय की बर्फ रेखा तक आसानी से पहुंचने की अनुमति देती है। मनाली। भारत का लोकप्रिय हिल स्टेशन मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मनाली को अक्सर देवताओं की घाटी कहा जाता है, इस तथ्य के कारण कि इस शहर में कई श्रद्धालु मंदिर हैं। हडिम्बा मंदिर और वशिष्ठ मंदिर मनाली में अन्य मंदिरों का बहुत महत्व है। कसौली। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कसौली पहाड़ों में एक आदर्श पर्यटन स्थल है। हिमालय में ये खूबसूरत आवास हर साल बड़ी संख्या में यात्रियों को लुभाने वाले सुखों का निवास है। समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कसौली ब्रिटिश राज के दिनों में बनाया गया एक छावनी शहर है। पालमपुर। पालमपुर कांगड़ा घाटी में हिमाचल प्रदेश का एक सुंदर हिल स्टेशन है। यहाँ का सुंदर सौंदर्य और आकर्षक वातावरण पर्यटकों को लुभाता है।
समुद्र तल से 1219 मीटर की ऊंचाई पर पालमपुर का पठार धौलाधार रेंज की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच में बसा है। आनंदित वातावरण में आराम करने के इच्छुक पर्यटकों के लिए पालमपुर आदर्श है। हमारे यात्रा गाइड के साथ पलायन की योजना बनाएं। हिमाचल प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक आकर्षण अंद्रेता। यदि आप मिट्टी के बर्तनों या कला में रुचि रखते हैं, तो कांगड़ा जिले के पालमपुर से 20 मिनट की ड्राइव पर अंद्रेता गांव को याद मत करो। यहां धर्मशाला से 3 की यात्रा पर जाया जा सकता है। अन्यथा आनंददायक मिराज हेरिटेज होमस्टे में रहें। शोभा सिंह आर्ट गैलरी, जिस इमारत में वह रहती थी, वहां उनकी पेंटिंग और व्यक्तिगत सामान दिखाए गए थे। बीर बिलिंग, पालमपुर से अंद्रेता के लिए टर्न ऑफ पर जाएं और आप बीर और बिलिंग के जुड़ा शहरों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पैराग्लाइडिंग स्थलों में से एक पर पहुंचेंगे। 2015 पैराग्लाइडिंग विश्व कप का आयोजन भारत में पहली बार अक्टूबर 2015 में हुआ था। बिलिंग वैली एडवेंचर्स और बिलिंग एडवेंचर्स ऑफ हिमाचल में पैराग्लाइडिंग, ट्रेकिंग और कैंपिंग की सुविधा है। स्पीति, हिमाचल प्रदेश का ये सुदूरवर्ती ऊंचाई वाला इलाका लद्दाख और तिब्बत की सीमा से दूर है। ये 1991 के बाद से केवल विदेशी पर्यटकों के लिए खुला है और अभी भी अपेक्षाकृत अस्पष्ट है। इसका एक हिस्सा स्पीति के बंजर अल्पाइन रेगिस्तान होने के कारण है, जो साल के उच्च अनुपात के लिए भारी बर्फ में ढका हुआ है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बना। इसका सुदूरवर्ती उबड़खाबड़ और अदम्य इलाका इसे ट्रेकर्स द्वारा मांगे जाने के बाद बनाता है, लेकिन केवल सबसे योग्य और सबसे साहसिक और क्षेत्र के अंदर गहराई तक पहुंचता है। इसके अलावा पार्क के इकोजोन पर क्षेत्र में कमजोर दार दिन पैदल चलते हैं, जो दिन के ट्रिपरों से गिरा है। पार्वती घाटी, जैसे ही गोवा में सीजन की शुरुआत होती है, साइकेडेलिक ट्रांस सीन कसोल के आसपास के समुद्र तल से 8000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बदल जाता है। वहां पहुंचने के लिए पार्वती नदी पर केवल निलंबन पुल को पार करते हुए कसोल से 30 मिनट चलें। फिर भी बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। राष्ट्रीय उद्यान 42 द्वीपों से बना है, जिनमें से 33 द्वीप प्रवाल भित्ति से घिरे हैं। हिमालयन गोल्डन ट्रायंगल, बंजारा शिविरों द्वारा सक्रिय रूप से प्रचारित लीफ ऑफ बीच सर्किट बाहरी उत्साही लोगों को आकर्षित करता है, जो पर्यटन क्षेत्रों से दूर प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं। सांगला घाटी, किन्नौर जिले में समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर तिब्बती सीमा के करीब स्थित है। सुजा कुल्लू और शिमला जिलों को जोड़ता है और जंगली पहाड़ी इलाकों में उद्यम करने के अधिक अवसर प्रदान करता है। हिमाचल प्रदेश के बारे में रोचक तथ्य, हिमाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या 34,81,873 पुरुषों और 33,82,729 महिलाओं की थी। हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर 83.78% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 90.83% और महिला साक्षरता 76.60% है। हिमाचल प्रदेश शहर में EJC शिक्षा संस्थान, प्राइवेट जैसे विभिन्न शैक्षणिक संस्थान हैं, लिमिटेड और कई और अधिक। हिमाचल प्रदेश रोड अरण्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी को शामिल किया गया था। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंजन पकवान न केवल भारतीय मसालों के साथ पकाया जाता है, बल्कि प्याज टमाटर के साथ दाल, आलू और दही के लिए एक अतिरिक्त जोड़ा जाता है।
हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध व्यंजन जो हिमाचली लोगों के घरों में जमकर खाया जाता है। सिद्धू की तैयारी कठिन और समय लेने वाली है, लेकिन स्वाद के लिए जो इसे प्रस्तुत करता है, तैयारी के हर मिनट इसके लायक है। बब्रू एक चपटी रोटी है जिसे काले चने के पेस्ट के साथ तैयार किया जाता है, जिसे गूंधे हुए आटे में मिलाया जाता है। मदरा मूल रूप से एक नाजुकता है जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से संबंधित है। अकोतोरी एक फेमस डिश है जिसे हिमाचल प्रदेश के लोग अपने त्योहारों के दौरान बहुत पसंद करते हैं। दाम एक संपूर्ण भोजन है जो एक बेहतरीन स्वाद के साथ पोषक तत्वों की एक स्वस्थ खुराक का वादा करता है। हिमाचल प्रदेश शहर में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जैसे कांगड़ा हवाई अड्डा और कई अन्य। हिमाचल प्रदेश शहर में विभिन्न रेलवे स्टेशन जैसे शिमला, पालमपुर हिमाचल और कई अन्य शामिल हैं। राज्य में एक अच्छा सड़क नेटवर्क है जिसमें 9 राष्ट्रीय राजमार्ग और 19 राज्य राजमार्ग हैं। हिमाचल प्रदेश में 2013 में राष्ट्रीय अपराध दर 218.67 की तुलना में सबसे कम 200.3 अपराध दर है। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की सुंदरता इसकी सादगी में निहित है। राज्य के अधिकांश लोग हिंदू हैं, अन्य निवासियों में बौद्ध शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश शहर में विभिन्न सड़क परिवहन शामिल हैं, जैसे हिमाचल रोड परिवहन निगम कार्यशाला और कई अन्य। हिंदी को हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया है। हिंदी की भाषा संस्कृत भाषा की एक पुरानी व्युत्पत्ति है। हिमाचल प्रदेश हिमालय का एक उत्तरी भारतीय राज्य है। यह सुंदर पहाड़ी शहरों और डलहौजी जैसे रिसॉर्ट्स का घर है। ये अपने बौद्ध मंदिरों और मठों के साथ साथ इसके जीवंत तिब्बती नवंबर वर्ष समारोह में परिलक्षित होता है।